हाय गाइस, मैं उशांत हूं और बड़े मियां छोटे मियां को रिलीज हुए आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। एक तरफ इनके प्रोड्यूसर्स ने मुंह फाड़ के ये ऐलान कर दिया था पिक्चर रिलीज होने से पहले कि 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड पक्के हैं, और दूसरी तरफ जिस इंटेंसिटी से इस फिल्म की मार्केटिंग चल रही थी ऑल ओवर सोशल मीडिया पिछले एक साल से, वो देख देख के जैकी भगनानी साहब ये दिन में सपने देख रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए लोग अपना दिमाग किराए पे देके और बटुआ हाथ में लेके भागे चले आएंगे, जैकी भैया पिक्चर दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, जैकी भैया मरे जा रहे हैं। बट 1100 करोड़ तो बहुत दूर की बात हो गई। फिल्म पिछले 6 दिन में, जिसमें से एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग के बावजूद भी कमा पाई है मुश्किल से मुश्किल 45.55 करोड़ रुपीस। एंड टू गिव यू अ फेयर आइडिया दैट विल ब्लो योर माइंड, अक्षय कुमार की फीस इस पिक्चर के लिए है 75 से 80 करोड़ के बीच। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस फिल्म के पिस पुअर कलेक्शन नंबर्स लीस्ट सरप्राइजिंग थिंग है अबाउट दिस फिल्म, बिकॉज इस वीडियो में मैं जो तुम्हारे को बताने जा रहा हूं, दोस थिंग्स विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड एंड विल एक्चुअली फोर्स यू टू थिंक कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है। फेक गूगल रिव्यूज, फेक IMDb रिव्यूज, फेक ट्विटर रिव्यूज, फेक यूट्यूब रिव्यूज, इतने फेक तो 21 रुपए में MS पेंट के ट्रायल वर्जन पे बने हुए बड़े मियां छोटे मियां के क्लोन्स नहीं थे इस पिक्चर के अंदर, जितने फेक रिव्यूज ओवरऑल करवाए हैं पूजा एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर। कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम्स, इन्फ्लेटेड डेली कलेक्शन नंबर्स, और यहां तक कि डायरेक्ट रिव्यू टेक डाउन करने के लिए ईमेल्स भी भेजे गए हैं कुछ क्रिएटर्स को जो लोगों को सच्चा रिव्यू दे रहे हैं इस फिल्म के बारे में। पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने एक अच्छी स्टोरी ड्रिवन फिल्म बनाने के बजाय पेड मार्केटिंग का हर वो हथकंडा अपनाया है जिसको देख के ऑडियंस को यह लगे कि इस फिल्म के आगे पीछे बहुत बड़ी हाइप है। पर मार्केटिंग के नाम पे इतना हंसी टट्टा करने के बावजूद भी इस फिल्म का अपने बजट को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिकवर करना उतना ही नामुमकिन है जितना नामुमकिन है टाइगर श्रॉफ का एक्टिंग करना, और जितना नामुमकिन है पूजा एंटरटेनमेंट का अपनी पिक्चरों में इंस्पिरेशन के नाम पर दूसरी पिक्चरों से जेब कतरी ना करना। तो आज डालेंगे BMCM के अराउंड हो रहे हर पेड मार्केटिंग हथकंडे पर इन डिटेल, और साथ ही बात करेंगे कि क्यों अक्षय कुमार को ऐसे प्रोजेक्ट से कोसों दूर रहना चाहिए इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। सबसे पहले बात कर लेते हैं IMDb और गूगल रिव्यूज पे चल रहे स्कैम की। गूगल रिव्यूज पे BMCM की है 4.5 रेटिंग विद ओवर 10,000 प्लस रेटिंग्स एंड 1200 प्लस यूजर जनरेटेड कमेंट्स। नाउ यूजुअली लोग रिव्यू पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रिव्यू पोस्ट करने वाले के अकाउंट पे जाके नहीं देखते कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और यहां पर BMCM के केस पे जितने भी लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने इस फिल्म को 5 स्टार और बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज दिए हैं, अगर उनके अकाउंट पे जाके आप देखोगे तो जितनी भी फिल्में उन्होंने आज तक रिव्यू करी है गूगल रिव्यूज पे, सबको ही 5 स्टार रिव्यूज हैं। ये देखो और ये देखो। अभी ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, गूगल रिव्यूज में ऐसे अकाउंट्स भरे पड़े हैं और इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है फिल्म को। IMDb की बात करी जाए तो बड़े मियां छोटे मियां की IMDb पे रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 विद ओवर 27,000 यूजर जनरेटेड वोट्स एंड ओवर 253 यूजर जनरेटेड रिव्यूज। लेकिन अगर आप यूजर जनरेटेड रिव्यूज को फिल्टर बाय रेटिंग करोगे और सिलेक्ट करोगे 10 स्टार्स, तो आपको पता चलेगा 253 टोटल रिव्यूज में से 10 स्टार रेटेड रिव्यूज हैं 212, यानी कि मेजॉरिटी 10 स्टार्स हैं। एंड नाउ वन थिंग दैट विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड इज द फैक्ट कि जितने भी ये मेजॉरिटी 10 स्टार रिव्यूज लिखे गए हैं, ये सारे के सारे एक पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करके लिखे गए हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कॉपी का जो कहना चाह रही है वो बात सेम है, बस एडजेक्टिव्स और वर्ब्स चेंज करे हुए हैं सारे के सारे रिव्यूज में। इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को देखो, यहां पे जो रिव्यू लिखे हुए हैं उनका फ्लो ऑफ रीडिंग बिल्कुल सेम है, उनका इंटेंट, वो क्या कहना चाह रही है, वो बिल्कुल सेम है, और जैसे कि मैंने कहा था बस कुछ वर्ड्स इधर उधर खिसकाए हुए हैं ताकि कोई एक ही नजर में पकड़ ना ले, और साथ ही बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट इंग्लिश लिखी है। हमने ऐसा ही एक सो कॉल्ड ऑथेंटिक यूजर जनरेटेड कमेंट कॉपी किया और डाला एक पैराफ्रेजिंग टूल में, और क्या आ गया, ब्रावो वोइला मुआ मामा मिया लजानिया पप्पी, हमारा ऑटो जनरेटेड कमेंट फॉर बड़े मियां छोटे मियां, बस वर्ड्स कुछ इधर उधर हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और यही सेम यूजर जनरेटेड पैराफ्रेज्ड रिव्यूज का स्कैम गूगल रिव्यूज पे भी करा हुआ है। तो बेसिकली दो सबसे बड़े यूजर जनरेटेड रिव्यू प्लेटफॉर्म्स रिग्ड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक फोटो कुछ ऐसे एस्टीम्ड फिल्म क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट्स की, जिनको पूजा एंटरटेनमेंट की टीम BMCM के प्रेस जंकेट के नाम पे ले गई थी जॉर्डन, जहां पे हुई है फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी। और फिर उस ट्रिप के बाद हुआ क्या, वही हुआ जिसके लिए इनको इस ट्रिप पे लेके गया गया था, और वो था इनमें से कुछ लोगों का फुल सपोर्ट BMCM को। मैं नेम कॉल आउट नहीं करूंगा, लेकिन इनके रिव्यूज जरूर यहां पे स्क्रीनशॉट कर दूंगा। और फिर आते हैं इंस्टॉल ट्विटर पे पेजेस लाइक पिंक विला एंड विरल बयानी, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, अपने कमेंट सेक्शन में जो गालियां पड़ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म बहुत खराब है, इसकी
की फेक प्रमोशन करना बंद करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस प्रमोट करेंगे। और इन्हीं के साथ आते हैं द हाईली रिलायबल यूट्यूब पब्लिक रिएक्शन वीडियोस, जहां पे एक ही बंदा एक ही जगह पे खड़ा होकर दो अलग अलग रिव्यूज दे रहा है BMCM को। AI से होने वाली घातक चीजें हो सकती है फ्यूचर में, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया, जो एक्शन अभी तक का बॉलीवुड ने नहीं देखा होगा इस फिल्म के जरिए आप देख सकते हैं। ये है आम जिंदगी। लॉजिक ढूंढना चाहोगे तो कहीं लॉजिक नहीं मिलता, कोई सीन से कोई सीन मिलता ही नहीं है। ये है मेंटोस जिंदगी। और कुछ चिरकुंडे तो BMCM के पोस्टर को माला चढ़ा के उसकी आरती भी उतार रहे हैं। और क्यों ना उतारे भाई आरती, एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, असली भक्ति है इनकी अक्षय कुमार के लिए, जो BMCM के प्रमोशनल बजट को देख के जाग जाती है। और ओ माय गॉड 2 और मिशन रानीगंज जैसी अच्छी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म को, जहां पे फैंस के लव की एक्चुअल जरूरत है अक्षय कुमार को, वहां पे ये सोई रहती है। और फिर आते हैं ये कुछ छपरी यूट्यूबर जो बता रहे हैं कि फिल्म 725 करोड़ रुपए कमा गई। एक ये बता रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर गई, रिकॉर्ड तोड़ लिखकर तो गई वो, लेकिन वो थोड़े नीचे से कर रही है रिकॉर्ड तोड़। और एक तो भैया 127 रुपए की टिकटें बेच रहा है अपने चैनल। फिर हुई बुक माई शो पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। बुक माई शो के ट्रेंडिंग ग्राफ पे 195K पीपल इंटरेस्टेड दिखा रहा है इन BMCM। लोगों ने एडवांस बुकिंग करानी शुरू करी और फर्स्ट डे शोज को बुक कराना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया कि सीट्स तो भाई पूरी की पूरी हाउस फुल जा रही हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही, कुछ घंटों बाद ही ये रिवील होने लगा कि कुछ लोग जा रहे हैं थिएटर और वहां पे थिएटर है खाली, हाउसफुल दिखाए जा रहे हैं, सीट्स को ब्लॉक दिखाया जा रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस में थोक के भाव पे फ्री टिकटें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग फिल्म देखने नहीं पहुंच रहे हैं। फिल्म देखने आया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ऑनलाइन टिकट बुक ही नहीं हो रही है, सारे के सारे शोज हाउसफुल दिखा रहा है, सोल्ड आउट दिखा रहा है, पर यहाँ आता हूँ तो नजारा कुछ और ही है, एक बंदा नहीं है सिर्फ गार्ड के अलावा और मेरे अलावा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पूरा थिएटर खाली है। फिर इन्फ्लेटेड नंबर्स की बात करी जाए तो एज एक्सपेक्टेड पूजा एंटरटेनमेंट अपने पहले चार दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को बता रहा है 96.18 करोड़ रुपीस, जबकि सैक मिल्क जहां पे ऑफिशियल नंबर्स रिलीज होते हैं हर फिल्म के लिए, आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं, वो अभी भी यही बता रहा है कि BMCM की पहले चार दिन की कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड 74 करोड़ रुपीस, जिसका ब्रेकअप बहुत ही सिंपल सा है, डोमेस्टिक मार्केट में 48.5 करोड़ रुपीस और इंटरनेशनल मार्केट में 25.50 करोड़ रुपीस। तो ये 6.18 करोड़ का नंबर इनके पास आया कहां से? ट्विटर पे जिन लोगों ने बहुत ही लो ऑक्यूपेंसी या फिर ऑलमोस्ट खाली थिएटर्स की फोटो डाली जहां पे स्क्रीन दिख रही है, वहां पे कॉपीराइट का एक्सक्यूज देके उन चीजों को उतरवा लिया गया। ये देखो स्क्रीनशॉट। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड करके एक पेज है जहां पे इन्होंने इस फिल्म का रिव्यू डाला और वहां पे पूजा एंटरटेनमेंट की लीगल टीम से इनको मेल जाता है, वो मेल ये कहता है कि हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा लगाया है इस पर, तो आप प्लीज अपना नेगेटिव रिव्यू उतार लीजिए। 350 से 400 करोड़ है इस फिल्म का बजट। इस 350 करोड़ के बजट में से 80 करोड़ फीस है अक्षय कुमार की, टाइगर श्रॉफ की है 40 करोड़, पृथ्वीराज सुकुमारन की है 5 करोड़, मानुषी चिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा की है 2 करोड़ ईच, अलाया एफ और रोनित रॉय की है 1-1 करोड़। टोटल हो गया 131 करोड़ रुपीस इन स्टार फीस। 350 में से माइनस कर लो 131 करोड़ रुपए, बचे 219 करोड़ रुपए। इस 219 करोड़ रुपए में से माइनस कर लो 50 करोड़ रुपए और जो हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग के, जो इन्होंने धी पीट के एक साल तक कराए। कुल मिला के बचे 169 करोड़ रुपीस, जो स्टोरी डेवलपमेंट, स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट और सारे के सारे VFX डेवलपमेंट में शायद गया होगा। ओनली 50% ऑफ द एंटायर फिल्म्स बजट इज गोइंग इनटू द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द फिल्म। इन्वेस्टमेंट पिक्चर की डेवलपमेंट को छोड़ के दो लीड स्टार्स को जो बैक टू बैक फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं, और टाइगर श्रॉफ जिनकी गणपत को कोई OTT खरीदने तक को तैयार नहीं है, उनको 40 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे को क्या लग रहा था कि फिल्म कैसी होगी? पिक्चर में टॉप नॉच एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वर्ल्ड क्लास फाइटिंग सीन्स हैं, जिन्होंने पिक्चर देखी है उनको अच्छी तरह पता है कि फिल्म आधी से ज्यादा कॉपीड है असैसिन क्रीड और क्राइसिस से, और बची ऊंची पिक्चर की इंस्पिरेशन के नाम पे जेब कतरी करी गई है द इटालियन जॉब, हॉब्स एंड शॉ और ब्लैक पैंथर से। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 5 दिन में, जिसमें से एक एक्सटेंडेड वीकेंड था, उसमें मात्र 78 करोड़ रुपीस है। और अगर इसी बैंडविड्थ पे ये फिल्म चलती रही ना, तो 150 करोड़ रुपए कमाना भी वर्ल्ड वाइड इस फिल्म के लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो 1100 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात हो गई, ये फिल्म लगभग 150 से 200 करोड़ के लॉस पे बैठी दिख रही है अभी। विच ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर वीडियो, कि गणपत जैसी वाहियात और सुपर डुपर लॉस मेकिंग फिल्म्स बनाने के बावजूद भी पूजा एंटरटेनमेंट के पास एज अ प्रोडक्शन हाउस पैसा आ कहां से रहा है? नाउ
वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, टाइगर एज एन एक्टर इज अ कंप्लीट लॉस्ट कॉज, बट व्हाट अबाउट अक्षय पाजी? वी हैव लिटरली ग्रोन अप ऑन अक्षय कुमार एक्शन फिल्म्स एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड देम। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट अक्षय कुमार फैंस, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज मैं उनको पसंद करता हूँ एज एन एक्टर वो टट्टी कर रहे हैं तो मैं उसको गुलकंद बोलूं। बैक टू बैक ऐसी खराब फिल्में साइन करने के बाद अब ऐसा लगने लगा है दैट अक्षय कुमार इज नो मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्वालिटी सिनेमा। और सारे अक्षय फैंस की तरफ से कलेक्टिवली मैं आपसे सिर्फ यही विनती करता हूं अक्षय साहब कि अच्छी स्क्रिप्ट्स उठाइए, पूजा एंटरटेनमेंट जैसे प्रोडक्शन हाउसेस से दूर रहिए, ओनली देन योर कमबैक कैन बी गारंटीड। एक साल में 6 फिल्में करने से आपका कमबैक नहीं होगा। रील से लेके पॉडकास्ट अपीयरेंस तक कुछ भी नहीं छोड़ा बीएमसीएम की पूरी टीम ने, हर जगह मार्केटिंग पे 10 के 100 दिए हैं, लेकिन फिर भी मैदान लॉन्ग रन में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म को पछाड़ देगी। और मैदान की मार्केटिंग के नाम पे पता है क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये पता लगता था हर महीने की फिर से डिले हो गई। दैट्स अबाउट इट। मैदान को अजय देवगन ने अपने आप तो प्रमोट ना के बराबर ही किया है। बीएमसीएम का बजट 350 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 78 करोड़ रुपीज। मैदान का बजट 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 35 to 36 करोड़ रुपीज। मैदान 100 करोड़ के छोटे से बजट में बनी हुई एक बहुत ही ऑर्गेनिकली अच्छी फिल्म है। देख के पता लगता है उस फिल्म के अंदर दिल लगा के काम करा गया है। बीएमसीएम की तरह यह नहीं है कि बस एक बार टिकट बेच दी फिर तो लोग परेशान होते रहेंगे, वहां बैठ के देखते हो कि हो क्या रहा है। बीएमसीएम जैसे प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है बॉलीवुड की जो छोटी मोटी सी इमेज बची है ना, जो बची खुची है, उसको भी टार्निश करने के लिए। इतने सारे मार्केटिंग स्कैम्स करने के बाद, इतना सारा पैसा बहाने के बाद, इतनी सारे बड़े बड़े क्लेम्स करने के बाद भी ये फिल्म कहीं नहीं पहुंच रही है। दिस शुड बी अ वेरी अलार्मिंग वेक अप कॉल फॉर अक्षय कुमार। आई रियली होप ही मेक्स अ वेरी गुड कमबैक, बट हाउसफुल 5 का टीजर देखने के बाद मेरे को कोई ज्यादा होप है नहीं। एंड आई रियली ऑल्सो होप कि हेरा फेरी 3 में ऐसा कोई चोद भंगड़ा ना हो। ये था आज का एपिसोड ऑफ ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। हम ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस को एक कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं चैनल पे। और किन चीजों पे ओपिनियंस के बारे में जानकारी चाहोगे, देखना पसंद करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो वो भी कर लेना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो होने वाला है स्प्लिट्सविला का रोस्ट। मामा मिया लज़ान्या पप्पी, बाय बाय।